नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आने वाले दिनों में जमीन की रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अगर जमीन रजिस्ट्री की नहीं भी सोच रहे हैं तो भी आप अपने आस पड़ोस और सगे संबंधियों को भी जरूर बताएं कि नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको 4-5 दिनों के झंझट से छूट मिलने वाली है। क्योंकि नई व्यवस्था के तहत अब आपको जमीन रजिस्ट्री करवाने पर दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। यानी कि एक बात तो तय है कि अब आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा यानी कि 5 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। इतना ही नहीं, अब तो आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव ने बिहार के सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नया आदेश जारी करते हुए अविलंब लागू कराने के लिए कहा है, जिससे कि इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाले 1.5 घंटा अब बर्बाद नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए लोगों के लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आने वाले समय में लोगों को ऐसी किसी भी बाध्यता से छूट मिल जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में दस्तावेजों के निबंधन, दस्तावेजों के निस्तारण, दस्तावेजों की वापसी, खोज और प्रतिलिपि और ऋण अभार प्रमाण पत्र देने के लिए भी 1 दिन की समय सीमा का पालन किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद अपर मुख्य सचिव की तरफ से साझा की गई है। सचिव की माने तो चारों सेवाओं में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन की बाध्यता खत्म करने के लिए कहा गया है। अब तक जो योजना बनाई गई है उनके अनुसार अब जमीन के निबंधन के दिन ही दस्तावेजों को दे देना होगा। अगर किसी कारण से उस दिन दस्तावेज नहीं मिल पाता है या कोई व्यक्ति इसको लेकर दफ्तर का चक्कर काटने में परेशान हो जाता है तो ऐसे ही परेशान व्यक्ति के लिए लोक सेवा गारंटी कानून का सहारा लेना उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में उसे कानून की समय सीमा के तहत सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भले ही लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 5 दिन की समय सीमा दी गई है, लेकिन बिहार निबंधन नियमावली में उस दिन दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सभी निबंधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की गई कि उन्हें जनता को सेवा देने में तत्पर होना चाहिए। उन्हें लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जनता का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी काम का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए ये समय की मांग है कि जनता से बिना उनकी मर्जी के जबरदस्ती लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भरवाने से बाज आया जाए। अभी कोशिश बस यही होनी चाहिए कि जनता की शिकायत को दूर करे, इसकी हर संभव कोशिश करे, जिसके बाद ही अब उम्मीद की जा रही है कि जमीन रजिस्ट्री के काम में लोगों को सहूलियत होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।